सुनिएगा ध्यान से, आज के समय में भी आपको रोवन के हिसाब से आंसर दिया हुआ है और हेल्सी के हिसाब से हमको आंसर निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन पहले ध्यान से समझते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मेरे साथ साथ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जागृति कंप्लीट द वर्क इन 162 आवर्स। जागृति ने 162 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया, मतलब ये जो 162 है वो है टाइम टेकन, मतलब उसने टाइम टेकन कितना हो गया 162। टाइम वेज रेट इज ₹10, मतलब रेट पर आवर दिया हुआ है कितना ₹10। इफ शी गेट्स ₹1944 टोटल वेजेस एज पर रोवन प्लान, रोवन प्लान के हिसाब से उसका आंसर कितना है 1944, दैट इज ₹1944 मिले रोवन प्लान के हिसाब से। फाइंड आउट टोटल वेजेस एज पर हेल्सी प्लान, हमको हेल्सी प्लान के हिसाब से फाइंड करना है। हमको ये पता है कि हमको चार चीज चाहिए होती है, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड और रेट पर आर। अगर ये चारों चीज आ जाती है तो कोई भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इस सब में हमको सिर्फ दो चीज दी हुई है, एक तो टाइम टेकन 162 आवर्स और रेट पर आर ₹10। तो इसका मतलब हमारे पास टाइम टेकन तो है 162 आवर्स और रेट पर आर है ₹10। अब हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम और टाइम सेव्ड निकालना है। ये दोनों चीज़ निकल जाएगी तो काम खत्म हो जाता है। हमको ये पता है टाइम सेव्ड कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन, मतलब टाइम सेव्ड की फॉर्मूला हमको पता है कि स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन करूँगा तो क्या निकल जाएगा, टाइम सेव्ड निकल जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, टाइम टेकन है, लेकिन सिर्फ टाइम टेकन का मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे ये मालूम है कि टाइम सेव्ड के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। तो चलिए फॉर्मूला एलसी की अप्लाई करके रख देते हैं, जब मुझे टाइम सेव्ड और स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। तो एलसी की फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, एलसी की फॉर्मूला हमको पता है टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू रेट पर आर, जहां पे टाइम टेकन है 162, रेट पर आर है 10, टाइम सेव मेरे पास नहीं है, इंटू 50% इंटू 10। तो जब मेरे को टाइम सेव मिलेगा तो मैं अप्लाई कर दूंगा। अभी फिलहाल टाइम सेव निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं, उसके लिए रोवन की फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। रोवन की फॉर्मूला हमको पता है क्या होती है, टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आर फॉर्मूला होती है। हमारे पास रोवन का आंसर ऑलरेडी है, रोवन का आंसर है 1944, तो मैंने लगा दिया 1944 इज इक्वल्स टू, टाइम टेकन ऑलरेडी है 162, तो लिख दिया 162 इंटू 10 प्लस टाइम टेकन, ऐसे का ऐसे ही टाइम सेव्ड के बदले मैं लिख सकता हूं स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन अपॉन स्टैंडर्ड टाइम इंटू रेट पर आवर। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टाइम सेव लिखा हुआ है उसके बदले लिख दिया स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। अब मैंने फॉर्मूला को थोड़ा सा रिडिफाइन कर दिया तो लिख देता हूं 1944 इज इक्वल्स टू 162 इंटू 10 इज 1620 प्लस, अब क्या मेरे पास टाइम टेकन है, हाँ है, तो मैं स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन को ऐसे लिखता हूँ स्टैंडर्ड टाइम माइनस 162, ये जो लिखा हुआ इसके बदले मैंने अप्लाई कर दिया, नीचे स्टैंडर्ड टाइम ऐसे का ऐसे ही, और ये जो टाइम टेकन मैं उसको बाहर लेके चला गया तो ये हो गया 162 इंटू 10। ईजी, कुछ नहीं किया मैंने, ये टाइम टेकन जो है उसको बाहर लेके चला गया, क्योंकि ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर ले जाऊंगा तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1944, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1620 डिवाइड बाय, ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ आते जाते क्या हो जाएगा डिवाइड 1620 इज इक्वल्स टू ST माइनस 162 अपॉन ST। अगर आप इसको कैलसी पे सॉल्व करते हैं 1944 माइनस 1620 डिवाइड बाय 1620 तो आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू ST माइनस 162 अपॉन ST। इज अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 ST इज इक्वल्स टू ST माइनस 162, ये हो जाएगा 0.2 ST माइनस 1 ST, क्योंकि ये 1 है,
इज इक्वल्स टू 162 माइनस वाला, तो ये हो जाएगा माइनस 0.8 एस टी इज इक्वल्स टू माइनस 162 माइनस माइनस कट एस टी हो जाएगा 162 डिवाइड बाय 0.8 एस टी हो जाएगा 202.5। मेरा स्टैंडर्ड टाइम आ चुका है 202.5। अब मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, स्टैंडर्ड टाइम है 202.5, तो टाइम सेव्ड अपने आप आ जाएगा एस टी माइनस टी टी के हिसाब से 40.5। ईजी, अब अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 1620 प्लस 40.5 इंटू 50% इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1620 प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40.5 का 50% इज 20.25 इंटू 10 करूँगा तो आ जाएगा 202.5। अब प्लस कर दिया तो ये आ जाएगा 1822.5 रुपीस। ये हमारा आंसर आ चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये था हेल्सी के हिसाब से आंसर। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करिएगा, पसंद आया हो शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सब के साथ।